सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का एक और पार्ट देखेंगे जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम मॉडल, और इसमें हम आर्किटेक्चर मॉडल देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल मॉडल देखेंगे। तो यार, सबसे पहले सिस्टम मॉडल्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में, चलो पढ़ते हैं। सिस्टम दैट आर इंटेंडेड फॉर यूज इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट शुड बी डिजाइन टू फंक्शन करेक्टली। अब जो सिस्टम अपन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में यूज़ करने वाले, वो फंक्शन जो उनका जो फंक्शन होता है वो करेक्टली होना चाहिए। और उसके लिए हम कोई सिस्टम बनाने के लिए एक मॉडल तो बनाते ना भाई, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ मॉडल होते हैं। तो जब भी आप अपना कोई सिस्टम बनाते हो तो दो मॉडल आपको ध्यान में रखने चाहिए, तभी जाके वो अच्छा सिस्टम बनेगा। तो दो टाइप के मॉडल है, एक है आर्किटेक्चर मॉडल और दूसरा है फंडामेंटल मॉडल, ठीक है। तो आर्किटेक्चर मॉडल क्या होता है, तो देखते हैं। इट इज़ कंसर्न अबाउट प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड रिलेशन बिटवीन दिस कॉम्पोनेंट। ये ध्यान रखता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट होंगे, सीपीयू होगा, ये होगा, वो होगा, तो सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, जो भी है, इनको प्लेस कहाँ करना है, कैसे करना है, वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उन सब का ध्यान कौन देता है, आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है। फंडामेंटल मॉडल क्या करता है, और आर्किटेक्चर मॉडल के दो टाइप होते हैं, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर। अब आ जाते हैं फंडामेंटल मॉडल में। तो फंडामेंटल मॉडल क्या ध्यान रखता है पता है, ये सब वो लीगल वर्क समझ लो, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टी सच एज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, उसका फेलियर के रिस्क वो सब क्या है, फॉर एग्जाम्पल फेल हो गया तो क्या होगा, फेल होने के कितने चांसेस है, फेल तो नहीं होने वाला, वो सब। सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा भाई, यार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, कम्युनिकेट हो रहा है, सिक्योरिटी तो है, कोई किसी के मैसेज पढ़ तो नहीं रहा, कहीं कुछ सीन तो नहीं हो रहा, कोई मालवेयर तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मतलब समझ लो क्या, ये थियोरिटिकल पार्ट कह सकते हो। और मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेलियर्स है, सिक्योरिटी है, वो सारी जो मेन चीज़ है, ये हार्डवेयर पार्ट है, और ये है वो सारी जो मेन चीज़ है, जो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं उसके किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल मॉडल ध्यान रखता है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन मॉडल्स हैं, इंटरेक्शन मॉडल है, फेलियर मॉडल है और सिक्योरिटी मॉडल है, सिक्योरिटी मॉडल है। इतना क्लियर हो गया, तो चलो अभी देखते हैं आर्किटेक्चर मॉडल। तो पहला है अपना क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। भाई ये वो मॉडल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब वाइडली यूज़, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और उसमें मॉडल है तो वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। तो सबसे पहले इसमें एक पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर बाकी पॉइंट आराम से समझेंगे। अ सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड सर्वर। सिस्टम इस तरह स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे एक प्रोसेस होते हैं जिसको कहते हैं सर्वर, एक पीसी में या फिर एक जगह पे, एंड दैट ऑफर सर्विसेज टू द यूज़र कॉल क्लाइंट। तो इसमें सिंपल सा मैं ये बोल देता हूँ, इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। इसको सर्विसेज चाहिए तो ये ना सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ मेरे को सर्विसेज दो, या फिर आई वांट दिस सर्विसेज। सर्वर उस सर्विसेज को देखेगा, ढूंढेगा, अगर कुछ उसने रिक्वेस्ट किया, कोई कैलकुलेशन की, वो सारी चीज़ें काम करके उसको रिप्लाई दे देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, आप अपने कॉलेज लैब में जाते हो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, अपने कॉलेज में लैब में जाते हो, अपना आई डी पासवर्ड डालते हो और चेक करते हो आपकी अटेंडेंस। आप क्या कर रहे हो उसमें बताए, आप क्लाइंट हो, आप अपने कॉलेज के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी आई डी पासवर्ड दे के, कि भाई मेरे को मेरा सुमेर सिंह राजपुरोहित का अटेंडेंस बता। तो वो चेक करता है कि हाँ भाई सुमेर सिंह राजपुरोहित का, हाँ देखता है भाई 45% अटेंडेंस है, हाँ ये ले भाई। तो आपने, आप क्लाइंट हो, आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर अपने डेटाबेस में गया, मतलब वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, वो अपने डेटाबेस में गया और आपको आपका डेटा ला के रिस्पॉन्ड कर दिया। तो सिंपल सा इस तरह से काम करता है अपना क्या, क्लाइंट और सर्वर मॉडल। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो स्लेव होता है और जो सर्वर है वो मास्टर होता है। इतना क्लियर हो गया, ये बहुत जगह यूज़ होता है। अब अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो एमीवेडिस, तो आपने जो सर्च किया वो ढूंढेगा, समझ रहे हो। तो आप एक क्लाइंट हो, आप यूट्यूब के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को इसका गाना निकाल के दे, तो फिर नया गाना आया जो एमीवे का, वो निकाल के आपको दे देगा। और अभी जब आप वो वीडियो प्ले कर रहे हो तो आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को वो गाना, वो वीडियो सेंड कर, उसके पैकेट सेंड कर, तो वो उसके पैकेट्स आपके पीसी के यूट्यूब पे आपको प्ले करा रहा है। तो आप समझ रहे हो, हर जगह, बहुत जगह क्लाइंट एंड सर्वर यूज़ होता है। और ये कैसे काम करता है, इसका टाइमिंग डायग्राम बता देता हूँ। क्लाइंट है आप, आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर आपकी जो सर्विस है उसको ढूंढ रहा है, फिर आपको प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज और फिर रिप्लाई कर रहा है। जब तक आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है उसको लिए आप रुकते हो, क्लाइंट रुका रहता है, जब तक उसको रिप्लाई नहीं आता उसको कहते हैं वेट फॉर रिजल्ट, और इसको कहते हैं टाइमिंग डायग्राम क्लाइंट सर्वर का। अब कुछ पॉइंट है जो पढ़ लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई प्रोटोकॉल, सिंपल सी बात है। द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर आस्किंग फॉर सर्विसेज, समझ गया। तो सर्वर डज द वर्क, सर्वर अपना काम कर लेता जो भी आपने कहा है, एंड रिटर्न अ रिजल्ट और एन एरर कोड इफ द वर्क कुड नॉट बी परफॉर्म। अगर हुआ तो बोलता है हो, काम हो गया, नहीं हुआ तो एक एरर कोड बोलता है कि भाई नहीं हो पा रहा, समझ रहे क्या। फिर आ जाते हैं, द सर्वर कैन इट सेल्फ रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर सर्वर, दस इन दिस न्यू रिलेशन द सर्वर एक्ट लाइक ए क्लाइंट। ये एक नई चीज़ है,
हम क्या सोच रहे थे, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, सर्वर रिप्लाई करता है, लेकिन कभी कभी सर्वर खुद भी दूसरे सर्वर्स को रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से रिप्लाई लेता है। तो ये टाइम पे अपना सर्वर क्या बन गया, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ये वाले सर्वर को, तो और ये सर्वर इसको रिप्लाई कर रहा है, तो अभी मेरा जो सर्वर है वो क्लाइंट बन गया। तो जो बंदा रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट रहता है, जो वो स्लेव रहता है जो रिक्वेस्ट पूरी करता है, समझ रहे हो क्या? जो मांगी लाल है वो स्लेव है, और जो दानवीर इंसान है, मांगी जो मांगने वाला इंसान है वो स्लेव है, और जो देने वाला इंसान है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला इंसान है वो कौन है, वो है अपना जो देवी नारायण है, वो कौन है अपना, वो अपना मास्टर है, वो अपना सर्वर है। इतनी चीज़ें हो गई। तो कभी कभी एक सर्वर भी क्लाइंट बन सकता है और दूसरे से रिक्वेस्ट ले सकता है। तो ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल, सिंपल सा। अब आ जाते हैं पीयर टू पीयर मॉडल में, तो ये थोड़ा सा अलग है भाई, ये क्लाइंट सर्वर जैसा नहीं है। अनलाइक क्लाइंट सर्वर P2P पीयर टू पीयर मॉडल डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लाइंट सर्वर, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कि हाँ तू क्लाइंट है तू सर्वर है, नहीं। इंस्टेड ईच नोड कैन आइदर बी ए क्लाइंट और सर्वर, डिपेंड्स ऑन वेदर द नोड इज रिक्वेस्टिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उसमें बहुत कम केसेस होते हैं कि सर्वर क्लाइंट बनता है और रिक्वेस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर का वही काम होता है सर्विस लेने का, उसमें बहुत कम केसेस होते हैं। इसमें क्या, कोई भी बंदा, इनको कहते हैं पीयर्स, कोई भी पीयर क्लाइंट बन सकता है, सर्विस सर्वर बन सकता है, डिपेंड करता है उनको क्या चाहिए। अगर उनको कुछ सर्विसेज चाहिए तो वो मांग लिया हो गया तो वो कौन हो गया, क्लाइंट। अगर उसको कुछ सर्विसेज देनी है, कोई उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो देवी नारायण हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है, तो इसमें वो कौन बन गया, सर्वर बन गया, वो मास्टर बन गया। तो जो रिक्वेस्ट करता है वो स्लेव रहता है, क्लाइंट रहता है, जो सर्विस देता है वो सर्वर रहता है, मास्टर रहता है। इतना क्लियर हो गया। तो पीयर टू पीयर में क्या होता है, पीयर टू पीयर में कोई भी क्लाइंट बन सकता है, कोई भी सर्वर बन सकता है, डिपेंड्स, समझ रहे हो क्या, डिपेंड्स वेदर द नोड इज रिक्वेस्टिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। अभी मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये तो सिंपल सा आपको पीयर टू पीयर दिख रहा है, हाँ भाई सारी पीसी कनेक्टेड है, लेकिन ये कनेक्टेड कैसे बताएं, ऐसे मतलब कुछ पीसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कुछ नहीं है। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये वाली पीसी इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इसको इसका डेटा चाहिए, इसका डेटा चाहिए, शायद से इसका डेटा नहीं चाहिए। अब देख रहे हो इससे नहीं कनेक्टेड है, ये तीनों से कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, ये इन दोनों से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं है। तो जो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का पैटर्न है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पे, इसको इसकी एप्लीकेशन चाहिए तो ही वो। ईच ऑब्जेक्ट, सेकंड पे आ जाते हैं, ईच ऑब्जेक्ट इज रेप्लिकेटेड इन सेवरल कंप्यूटर्स टू फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड एंड प्रोवाइड रेजिलियंस इन द इवेंट ऑफ डिसकनेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। अभी मैं क्या कहता हूँ, हर पीसी के अंदर ना कुछ डेटा है, कुछ एप्लीकेशंस है जो खुद के भी है और रेप्लिकेटेड है दूसरे पीसी के भी, मतलब इसका कुछ डेटा भी इसके अंदर रहेगा, इसका भी इसके अंदर रहेगा, इसका भी इसके अंदर रहेगा। क्यों कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खालसा एक पीसी बंद हो गया तो ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अरे मेरे को उससे काम था, उससे काम ही नहीं होना है, ये दूसरों से अपना काम निकलवा सकता है। तो ईच ऑब्जेक्ट इज रेप्लिकेटेड इन सर्वर टू फर्दर, और फॉर एग्जांपल इस पे बहुत सारा लोड आ रहा है और तो ये क्या करेगा, इसका कुछ रेप्लिकेशन इधर है, इसका कुछ रेप्लिकेशन इधर है, फॉर एग्जांपल सब ना इसी से मांग रहे, सब इसी से मांग रहे, तो ये क्या करेगा, अपना थोड़ा सा ना डेटा इधर दे देगा, इधर दे देगा, इधर दे देगा, तो फिर इसको काम है तो ये डायरेक्ट इससे मांगे ना, इससे क्यों मांगे, तो इसको काम है तो ये इससे मांग लेता है, इससे मांग लेता है, पूरा लोड इस पर नहीं आता, तो ये अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। साथ साथ में अगर एक इंसान फेल भी हो गया, मतलब एक नोड या फिर एक पीयर, तो अपना काम नहीं अटकना चाहिए, और सो इन द इवेंट ऑफ डिसकनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स काम नहीं अटकना चाहिए। ओके, अभी एक ना इसकी डिसएडवांटेज है कि नीड टू प्लेस एंड रिट्राइवल इंडिविजुअल कंप्यूटर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर में पहले से बता था इतने सारे क्लाइंट है, 10 कंप्यूटर क्लाइंट है, एक सर्वर है, उसको भारी वाला पीसी बना दो भाई और उसी से सारी रिक्वेस्ट करो। यहाँ पे क्या है, सारा एक दूसरे से सबसे कनेक्शन रखो भाई, रेप्लिकेशन भी रखो, एक कनेक्शन फेल हो गया तो दूसरी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, तो हर पीसी में एक दूसरे का डेटा भी भर के रखो, आपस में सबसे कनेक्शन रखो, तो बना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है पीयर टू पीयर में। बाकी तो बहुत फायदे हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है भाई। तो ये था पीयर टू पीयर मॉडल, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट सर्वर यूज़ होता है, लेकिन काफ़ी जगह पीयर टू पीयर भी होता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।